देखिए दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं गाड़ी में। ये मैं बैठी हूँ, ये मेरा भाई बैठा है और हम मम्मी का वेट कर रहे हैं। मम्मी दरवाजा बंद करके आ रही है, बाकी मैं आगे बैठी रहती हूँ क्योंकि इसको रास्ता नहीं, कई रास्ते नहीं पता चलता, तो मैं बता देती हूँ। और तो फिर मम्मी अब आने ही वाली हैं बस अंदर से। बाकी हम सुन रहे गाना, किसका गाना है ये? है किशन महिपाल जी का। उनका पहला गाना आया था गुगती, जो बहुत बचपन में आया था, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। अच्छा। असर किसी ने अपने बचपन में वो गाना सुना ही है, मेरी एज के जो भी लोग हैं गढ़वाली। और ये गुगती टू आया, मेरे को गुगती टू भी पसंद है। मेरे को किशन महिपाल के मतलब मोस्टली सारे गाने पसंद होते हैं, और ये जो नया आया मेरे को ये भी काफी पसंद आया। ओके ओके। और बाकी ये मम्मी आ गए तो अब हम चले। हाँ चलो, डायरेक्शन लगा दी। तो मम्मी हाय। हेलो गाइस, तो हम आए थे मॉल और ये रही मम्मी। तो अभी हमने मेरे भाई और बहन जा रखे हैं ड्रिंक्स लेने, और मम्मी और मैं तो उनका वेट कर रहे, तो हमने सोचा चलो हम लोग फोटो खींचते हैं। बाकी ये पीछे देखो कितनी सुंदर सुंदर बड़ी सी तितली बना रखी इन्होंने डिज़ाइन। और मम्मी कह रही थी जब हम लोग तितली देख रहे थे, काश मैं तितली जैसी होती तो मैं उड़ सकती। तो मैं कहा चलो, तितली जैसे तो नहीं हो लेकिन उड़ तो कोई भी सकता है, हमें पंख थोड़ी चाहिए उड़ने के लिए, है ना जी? अगर आपके पास पंख नहीं है आप फिर भी उड़ सकते हैं। बड़ा पड़ पंख माए में यार, ये नहीं कितले मितले में पाया का खा ढंगार पड़ जाऊं। तो मम्मी कह रहे कि मैं बड़े बड़े पंखों में बैठ के इधर आई हूँ, अगर तितली जैसी उसमें आती तो फिर तो मैं पता नहीं उड़ के कहीं गिर जाती। जी मेरे भाई बहन वेट कर रहे फूड का, इधर आ जाओ। कहाँ गए? ये देखिए गाइस, हम लोग यहाँ पे खड़े थे तो मैंने सोचा क्या बोलते हैं इसको, मिरर सेल्फी ले लेती हूँ। और ये मम्मी पीछे शॉपिंग कर रही, मम्मी एक घुटनों तक का कुछ ढूंढ रही। सो हमने गाइस खाना खा लिया है, अब हमने बबल टी भी ले चुके हैं और हम जा रहे हैं घर पे। मैं और मेरी बहन आए थे सामान लेने के लिए, अब हम दोनों जा रहे हैं घर। आज यहाँ पे स्टॉर्म आने वाला है, आज रात को वार्निंग आई है, यानी कि बहुत खतरनाक तरीके से बर्फ पड़ने वाली है, हवाएं चलेंगी, ठंडा होगा। और अगर ये सब हुआ तो फिर स्कूल और ऑफिस बंद हो जाते हैं। अक्सर यहाँ पर ऐसा होता है, अगर जब स्टॉर्म आने वाला होता है ना तो फिर बंद हो जाते हैं ऑफिस स्कूल ज़्यादातर बिजनेस। तो देखते हैं, अभी वार्निंग आई है, पहले उन्होंने कहा था 6 बजे आना है ना, फिर 6 बजे नहीं आया, फिर कहा था 7 बजे तक आएगा, 7 बजे भी नहीं आया। तो अभी 7:30 हो रहे हैं, अभी देखो अगर रात को आता है तो फिर कल की सबकी छुट्टी। और फिर मैं आपको कल दिखाऊंगी कि कल कैसा माहौल होगा यहाँ पर जब स्टॉर्म आ जाएगा उसके बाद का। फिलहाल तो ऐसा है, आज पूरे दिन ऐसे गुमसुम सा है मौसम, मतलब खुले सा नहीं रखा है, धूप तो बिल्कुल नहीं आई और ऐसे अंधेरा सा पड़ा हुआ है। तो बाकी देखते हैं कल